हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं बना रही हूँ मैसूर बोंडा, जो कि हैदराबाद का बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट साइड ब्रेकफास्ट है। जो इडली और जो मेदू वड़ा के साथ में यहाँ पे ये बोंडा भी सर्व करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। और इस बोंडे को ना अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कोई पूरे मैदे से भी बनता है ये, लेकिन आज मैं इसमें मिक्स करूँगी थोड़ा सा चावल का आटा। चावल को मैंने धो के सुखा दिया था, अब मैंने उसका पाउडर बना दिया, तो ये चावल का आटा बिल्कुल तैयार है। आप घर का आटा ले सकते हैं या आप चाहो तो रेडीमेड वाला बाजार का भी चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने ले लिया 1 कप मैदा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, मैदा का नहीं खाना चाहते, तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। और उसी के साथ में मैं यहाँ पे लूँगी आधी कटोरी जितना चावल का आटा। और गेहूं के आटे के साथ में भी ना ये बोंडे उतने ही टेस्टी बनेंगे जितने कि मैदे के साथ में। और ये जो मैसूर बोंडा है ना, ये यहाँ पे साउथ साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आपको हर जगह दिखाई देंगे, यानी साउथ में आप चाहे कर्नाटका चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, या आप आंध्रा चले जाइए, और तेलंगाना में तो है ही इसकी खासियत। तो बस सिर्फ नाम अलग अलग है, बाकी चीज़ वही है। और इसमें बिल्कुल मिनिमम मसाले हम डालेंगे, जैसे बारीक मैंने कट करके अदरक और हरी मिर्च डाली है, और खोपरा मैंने डाला है। ये खोपरा बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए वरना आप स्किप कर दीजिए। और फ्रेश हरा धनिया मैंने कट करके डाला है। अब अगर आपके पास करी पत्ता है तो उसे भी बारीक बारीक कट करके डालिए, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज को भी आप बारीक कट करके डाल दीजिए। और अब मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और मीठा सोडा मैंने डाला है जो हम घर में यूज़ करते हैं, बस वही मीठा सोडा। और अब मैंने इसमें डाल दिया फाइनली दही। दही बिल्कुल खट्टा होना चाहिए, जितना खट्टा दही होगा ना उतने ही ये बोंडे टेस्टी बनेंगे। और इसे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, थोड़ी हमें कंसिस्टेंसी इसकी, देखिए बैटर इस तरह से हमें रखना है घट वाला। और फिर हम इसे ना ढक के रख देंगे, कम से कम आप 1 घंटा तो इसे ढक कर रखिए, ताकि ना इसे थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाएगा, दही अपनी खटास पकड़ेगी ना, तब मज़ा आ जाएगा बोंडे खाने में। तब तक हम बना देते हैं चटनी। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी फली ले ली है, साथ में थोड़ा फली का चूरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, थोड़ी फुटाने की दाल, और थोड़ा सा खोपरा डाला है, और साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश वाला, और अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा जीरा और नमक। बस इतना ही काफ़ी है इसमें। और अगर आप और भी कुछ खटाई डालना चाहो तो आप नींबू का रस वगैरह डाल सकते हो, लेकिन इस बोंडे के साथ में ना यही चटनी ही बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे ग्राइंड किया है, और अब देखिए बढ़िया मस्त चटनी बनकर तैयार है। और इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना, बहुत अच्छी, और ये ना टेस्टी भी इतनी ही लगती है। और आप चाहो तो इसके ऊपर आप राई और सूखी लाल मिर्च का छौंक भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर चटनी ना इसी तरह पसंद आती है, तो आज मैं छौंक नहीं लगाऊंगी। तो बस थोड़ा सा मैंने जार में पानी भी डाल दिया और इसे धो के इसमें डाल दिया मैंने, और अब ये बिल्कुल चटनी हमारी तैयार है। और अब हम बनाएंगे बोंडे, तो लगभग 1 घंटे के ऊपर हो गया है। तो देखिए ये मैंने ले लिया बैटर यहाँ पर, और थोड़ा सा ना आटा आपको फुला फुला भी दिख रहा है। तो देखिए अभी ये ना बैटर बिल्कुल तैयार है बोंडे बनने के लिए। और अगर आपको इस टाइम पर लगता है कि अगर आपका बैटर थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा या फिर आप थोड़ा सा उसमें गेहूं का आटा मिक्स करके बैटर को ठीक कर सकते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल, और अब बोंडा डालने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लिया है, ताकि हाथ में बैटर चिपके नहीं, लेकिन फिर भी बैटर तो अपना काम करता ही है, चिपकता ही है। मैंने ना एक बार ट्राई किया कि बंडी पे जिस तरह से डालते हैं ना उस तरह से मैं डालूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। देखिए इस तरह से ना वो लोग अंगूठे को प्रेस करके डालते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करती रहूँगी, कभी ना कभी तो अच्छे से बन ही जाएगा। तो मैंने इसे नॉर्मल अपने जैसे हम भजिए डालते हैं ना, बस उसी तरह से मैंने डाल दिया है। लेकिन वो जब बन के निकलेंगे ना तो वो राउंड शेप में ही निकलेंगे, क्योंकि जो दही की खटाई और जो सोडा हमने डाला है ना, उससे ये बस जैसे ही हम तेल में इसे डालते हैं ना तो वो एक शेप पकड़ लेता है अपना, तो वो राउंड राउंड बोंडे बन के निकलते हैं। और इतनी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसकी खासियत यही है कि इसमें मसाले है ना, हम जो हल्दी मिर्च ना वो सब नहीं डालते, बस इसे वाइट ही रखते हैं इस बैटर को। और ये देखिए गर्मा गर्म बोंडे बनकर तैयार है। इसी इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे आप बनाइए, ताकि ना अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए गोल गोल बढ़िया बोंडे बनकर तैयार है, अब हम करेंगे सर्व। तो लीजिए भाई, गर्मा गर्म बोंडे तैयार है, आप भी बनाइए। और मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको यही मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।
और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर से कीजिए। तो देखिए एक बोंडा मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, अंदर से बहुत ही गर्मा गर्म है और अंदर से भी इतना सॉफ्ट है और ऊपर से भी इतनी क्रिस्पी बना है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।